सर एक क्लैरिटी मुझे भी चाहिए एक्चुअली। बोलो। क्योंकि क्या है ना, अभी मुझे मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ना सैंडविच के बीच का टमाटर जैसी फीलिंग आने लगी है। अच्छा। ना तो मैं उधर रह पा रहा हूँ ना मैं इधर रह पा रहा हूँ, मुझे डिकेला से भी एक क्लैरिटी चाहिए। बिकॉज हम लोगों ने डे वन से जब से बात करी है, मैं बहुत स्लो एंड स्टडी चल रहा था, मैं चीज़ें समझ रहा था उसके साइड से भी। आई अंडरस्टैंड उसका ऑलरेडी एक कनेक्शन पहले वाला है, बट मुझे ना एक क्लैरिटी चाहिए सो दैट आई कैन ऑल्सो एक्सप्लोर। तो मैं चाहता हूँ सचिन, कब तक स्लो चलते रहोगे? शो खत्म हो जाएगा। हाँ यार, आई एग्री। मुझे अभी वो लास्ट मोमेंट आ चुका है, मुझे आज फाइनल डिसाइड करना है सारी चीजें। अनप्लान्ड था। अनप्लान्ड पे हो गया ना ट्विन। अपना लप्पू सा सचिन जिसको हर चीज में बीच में घुसने की आदत है, अब अनिकेत और डिकिला के बीच में भी घुस चुका था, क्योंकि डिकिला से वो ले चुका था वर्ड की डिकिला तुम्हारे साथ परफॉर्म करने वाली है। साला बहुत चालू आदमी है डिकिला। आप बताओ इस चैलेंज में आपको अनिकेत के साथ खेलना है या फिर सचिन के साथ? ये मेरे को जाने भी नहीं दे। It's hey, your choice. Nikila, it's a free country. Actually, I do care about his feelings, but at the same time, मैंने इसको जुबान भी दिया कि like I will. ये बात अगर शो खत्म भी हो जाए ना, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा ये चीज, ठीक है? This is not right. It's her choice. It's not about game every time, guys. Just because I don't speak doesn't mean like तुम overtake करो जिस भी बात पे। तो फिर शादी करने वाली बातें क्यों? Exactly. करना चाहती हूँ. That is why I'm. नहीं यार, वो भी मत बोल तब. वो भी मत बोल. But Aniket, it should be her choice, ना? Yeah, sir. It's her choice. It's that's why she should not make this complicated every time. मैं सचिन से insecure feel नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं stand नहीं कर पाएगा मेरे सामने. बट यही था कि वो लोग का जैसा कनेक्शन कुछ भी है, गेम पर्सपेक्टिव हो या कुछ भी हो, आई वाज नॉट लाइकिंग दैट। दिग्विजय एंड उन्नति, हु डू यू वांट टू सेंड टू द लव डेन? आई गेस अभी जो डिसीजन हुआ उसमें मेनली आकृति और जसवंत ने ही बोला कि दिग्विजय को नहीं भेजना, तो एंड रोशाली। So तेरा खुद का दिमाग है, आई सेव्ड यू यस्टरडे, बट इट इज व्हाट इट इज, एंड ही वाज एडमेंट। मुझे लगा एंड चल अच्छा, मेरे अपोजिट आइडियल कपल आकृति है जिसकी सबके साथ बीकर है। नहीं, इसमें उन्नति का भी से था, अदरवाइज मैं कल का फेवरेट टर्न करना चाह रहा था आकृति। बट कोई बात नहीं, तुमने नहीं किया, इट्स ओके। आपके लिए मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट आपने आज क्या किया? आपने सीधा सीधा, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप हमारे साथ आगे खेलो, दोस्ती बनाओ और हम आगे खेल सकते थे, बट आपने ये चीज़ डिनाई कर दी एंड सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी दे दी हर्ष और रुशाली को लव टेन में जाने की। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई थी इस बात से। तूने हमें नहीं भेजा, हमने तुझे नहीं भेजा, इतना रो मत, क्योंकि हर बार रो रो के तू सही नहीं होने वाली। सबका म्यूचुअल डिसीजन था ये, ठीक है? ऐसे नहीं था कि सिर्फ मैंने और जशवंत ने ये डिसीजन लिया था। सबसे पहले जाके ऊपर बोला, एक सेकंड, उन लोगों ने भी ये बोला था कि उन लोगों की भी तुमसे बीफ है। नहीं, मेरी बीफ नहीं है, उनकी लड़ाई है, इसीलिए मुझे बदला लेना है। मैंने ये नहीं बोला था, मैं बता दूं, मैंने किया करो, अगर आप लोगों ने कल दिया था, ऑफ कोर्स मैंने बीफ नहीं बोला, मेरी बीफ थोड़ी है, मैं बीफ नहीं बोला, मैंने कहा कि यार मैं पंगे लेता नहीं किसी से, और मेरे से कोई पंगे लेता मैं छोड़ता नहीं, मैंने स्टार्टिंग में भी यही बात बोली थी। भाई तू खेल जैसा भी खेल, बट मैं ऐसा इंसान हूँ, मैंने तुझे वर्ड दिया तो मैं खेलूंगा, अगर ऐसा है कि मेरे से कोई फालतू पंगे लेगा तो तुमने देखा ही है यार, कोई भी हो फिर। Honestly, मुझे तू इतनी पसंद है कि मुझे और कोई लड़की दिखती नहीं। तू मुझे प्रपोज कर रहा है? करूंगा, पर वो बाहर, क्योंकि तुझे तो मेरे पे बिलीव होगा नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन जो कुछ लोगों ने ऐसी बना दी है। बट हाँ, मैं सबसे फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन तो इकलौती है जिसमें मेरी नज़र टिकी रहती है, और हो गई तो इम्प्रेस। चल हाँ, सच में हो गई मैं इम्प्रेस, थैंक यू सो मच। अब तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना था? तू स्प्लिट्सविला में क्या कनेक्शन बनाने आया था जेन्युइन वाला? नहीं, जब मैं स्प्लिट्सविला आया था मुझे जीतना था। तो अभी नहीं जीतना, देखो। नहीं, ऑनेस्टली मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ रहा, तूने भी देखा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, लोग कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, आई डोंट गिव अ। मेरी इकलौती प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि तू सेफ साइड बैठी हो। मैं ये देख सकता हूँ कि तू गेम में और मैं चला गया, मैं नहीं देख सकता कि मैं गेम में और तू चली गई। शिविर ये पार्टी बंद बोला कर, मेरे को अक्कर को ठंड लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ. तू सीरियस है सच में? हाँ सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन अ वाइल कि मैंने किसी को सीरियसली डेट किया है. इट्स बीन अ वाइल. ना मैं चाह रहा था कि कोई आए मेरी लाइफ में, बट फिर तू आ गई और अब मेरा तेरे बिना टाइम नहीं कटता. एंड यू नो इट वेरी वेल. ना मैं ऑनेस्ट. ठीक है मैं मान लेती हूँ यू नीड मी. No, I don't need you. I want you. जिस शिवित को मैंने देखा है और लोगों ने मुझे बताया है वो उससे टोटली डिफरेंट था. अच्छी चीज बताऊँ? हाँ. तू बहुत लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है. You're very sweet, cute. एक बतानी थी, बस हो गई तारीफ. मैं सर पर चढ़ जाऊंगा. एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. आकृति सिर्फ डेट पे ही तो जाना है तो इतनी गेम तुझे समझ नहीं आती है तो थोड़ा शांत रहा कर. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे उन्नति तो तुम किसको भेजोगी? अपने फ्रेंड्स को? वही चीज हुई थी. अपने बंदी से थोड़ा कोऑर्डिनेट किया करो. आगे चढ़ा मत करो. हम कैसे ट्रस्ट कर ले जब तूने हमें डेट पे ही नहीं भेजा? तुम तो आइडियल मैच बनके आराम से बैठे हुए हो. तुम तो आइडियल मैच बनके बैठे हुए हो ना आराम से. अनसेफ जोन से यहां लाए हम. नहीं तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी शायद तुम हमारा नाम लो. इतनी सी बात थी. तुम्हें समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो चुप रहो. तू ही बोलती रहना फिर क्योंकि तेरे पास कोई पॉइंट नहीं है बोलने का. बोलती रहती है तेरे पास पॉइंट नहीं है बोलने का. दिग्विजय तुम्हें इतनी छोटी सी बातें नहीं समझ आ रही हैं और तुम्हें लगता है कि तुम अभी अभी आया हो और मैं तुम्हारे लिए सारी फेवर रिटर्न करती जाऊं, तुम्हारे लिए खेलूं, तुम्हारे लिए पिच करूं, तुम्ही को हर जगह सेव करूं, तो ऐसा नहीं होता है. खुद कमाओ, खुद अर्न करो और खुद जीत के आइडल मैच के लिए जाओ. हर्ष तू बता, सबसे पहले इसने नाम लिया था ना दिग्विजय और उन्नति को नहीं भेजेंगे डेट पे. मेरे यार मेरा बहुत सिंपल सा है. यहाँ जितने लोग खड़े हैं तुम पंगे ना लो, मैं पंगे नहीं लूंगा तुमसे. अगर तुम पंगे लोगे तो आज नहीं तो कल उड़ा दूंगा. दूसरी चीज ये कि पहला दिग्विजय का नाम लिया था आकृति ने, उसके बाद मैंने कहा हाँ उड़ा दे और मैंने कहा बोल के उड़ाना. नहीं इसने बोला रीजन क्या देंगे ना, मैं बोल के दूंगा हर्ष से पंगे लिया तो उड़ा दिया. मगर मैंने तेरा पहला नाम नहीं लिया था, इसने नाम लिया था. What the? अभी पलट गया बंदे ने. बिकॉज ओवर दैट कुछ और बोला था मुझे. It was like, हाँ भाई इसी को उड़ाएंगे, कोई और नहीं है, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे हम. बट हर्ष बीइंग हर्ष प्लेड अ वेरी डिप्लोमेटिक गेम एंड ही शोड अस हिज ट्रू कलर्स. मैं जानता हूँ बहुत सारे डिसअपॉइंट होने वाले जो मैं बोलने वाला हूँ. जिसको भी चूज कर रहा हूँ हमेशा उसके अगेंस्ट था, तो सोच रहा हूँ कि साथ खेल के देख लूँ कैसा लगेगा. आ जा. तुझे ही पता किसके अगेंस्ट तू आगे खड़ा है. ओहो कहानी में ट्विस्ट. तुम्हें पे छेड़ लिया मतलब? हाँ मैंने. I can choose, right? भाई, reject कर सकते हैं, reject करना हो तो. मैंने एक दिव्यांश को पहले promise दिया हुआ है. I remember that. इसको एक साल जीतना है सिर्फ दिवांगनी के साथ और फिर डोम में he wants to do something special for दिवांगनी तो आज के लिए. और बोल दे पूरा बता दे आकर के. और बोल दे पूरा. A bit dumbass. हम तुझे चूज कर रहे हैं और तुझे वहीं पे फ्लिप मारना है. ओके सो आई गेस दिग्विजय हैज गॉन टू चुलबुल. हो गया पोपट. मेरे को लेना है दिग्विजय को. आजू बाजू खेलते हैं. खेल लिया कर लिया बेइज्जती अपनी. तभी बोलती हूँ दिमाग चलाया कर और ज्यादा ना टेंशन में मत रहो. देख मैंने एक बार किया था, डजंट मीन यू कैन आल्सो डू इट नेक्स्ट टाइम. द सेम ट्रिक डजंट वर्क ट्वाइस. ठीक है एंड ही रिजेक्टेड यू. Simple. How does it feel, yeah, bhai? You're giving someone an opportunity aur aise reject ho gaya. Koi nahi sir, wo main dome mein aata rakhunga na. Dikvijay ko maine dosti ka ek haath badhaya tha, lekin agar usse ladna hi hai, to bhai taiyar rahiye. Galti se jeet gaya na to tu ghar hoga. Bhai Shivet, meri baat sun. Cycle ka bhi stand hota hai, to tu bhi apna stand rakh le ki bhai tujhe takkar leni hai ya fir saath mein perform karna hai.